हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आप सोच रहोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं हमारी कार से। जब हम लास्ट टाइम डीमार्ट गए हुए थे तो आपने तो देखा ही हुआ था कि मैं वहाँ से कितना सारा सामान लेके आई थी, बट अब उसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमारा सारा ग्रॉसरी आइटम ख़त्म हो चुका है। तो वंस अगेन हम जा रहे हैं डीमार्ट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो ग्रॉसरी आइटम ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कुछ भी बनाने में। फेस्टिवल्स की वजह से डी मार्ट को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था और बाहर में भी पूरी लाइटिंग लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं अपना शॉर्ट्स बनवाते हुए आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, बट ये रात के 12 बजे के बाद का टाइम है जब हमने खाना भी खा लिया है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये सब सामान कल अरेंज कर लेना, बट मुझ में सब्र तो है ही नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम डी मार्ट गए थे, तो हम कल शाम को डी मार्ट गए हुए थे क्योंकि हमारा जितना भी ग्रॉसरी सामान था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो किचन में तो सारे ग्रॉसरी आइटम होने ही चाहिए। फिर हमने खाना वाना खाया और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो डी मार्ट से हम जितना भी सामान लेके आए थे वो सारा मैंने ऐसे ही फैला के रख दिया था कि मैं मॉर्निंग में उसे अरेंज करूँगी। बट जैसा कि आपको पता है कि मुझ में तो सब्र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो मैंने रात के 12 बजे ही पूरा सामान निकाला और उसे उसकी जगह पर अरेंज किया, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ी कि ये सब काम रात में ही करना ज़रूरी है क्या। बट कोई नहीं, डांट खा के भी मैंने अपना काम तो पूरा कर ही लिया। यहाँ पे मेरे पूरे बर्तन धुल चुके, प्लेटफॉर्म भी साफ हो चुका है। गाइज, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप देखो, ये हमारी किचन की विंडो है और इस पे चिड़ियों ने क्या हालत कर दी है। दो ही दिन में धीरे धीरे वो इतना सारा ये पेड़ पौधा ये सारी चीज़ें ला के रख दिए हैं। यहाँ पर भी अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों को भी पता होगा कि चिड़िया जो घोंसला बनाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि किचन के विंडो पे बना रही है, तो अगर वो घोंसला वहाँ पे बनाएंगे तो मैं विंडो ओपन नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे वो उनका घोंसला हटाना ही पड़ेगा इसके पहले कि वो पूरा घोंसला वो बना ले। तो जिनको भी पता होगा कि ये घोंसला हटाते हैं कि नहीं हटाते, उन लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैंने ऐसे सुना है कि घोंसला हटाने से पाप लगता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि दिवाली के पहले ये घोंसला मैं हटा दूं कि नहीं हटाऊं। और गाइज, आप देख सकते हो कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। आज ज़्यादा धूप भी नहीं निकली हुई है और ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। गाइज, आज मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि मुझे ना बचपन से प्रॉब्लम है कि मेरी आँख जो है ना वो धूप में बिल्कुल भी नहीं खुलती। और आप लोग ऐसा सोच रहे होगे ना कि धूप में तो किसी की भी आँख नहीं खुलती, बट जो नॉर्मल होते हैं ना उनकी आँख धूप में ऐसे ऐसे करके तो खुली जाती है, बट धूप में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देती। मैं जब भी मम्मी के घर जाऊंगी तो मैं आप लोगों को अपनी बचपन की पिक्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसमें लिटरली मेरी आंखें पूरी ऐसी बंद है, मींस मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं धूप में तो ना ही फोटो खिंचवा सकती हूँ, ना ही मैं कोई वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरी आंख खुलती ही नहीं है। और मैं अगर जबरदस्ती आंख खोलने की कोशिश करती हूँ तो मेरे आंख से बहुत ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं। धूप में तो मैं कभी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि दिवाली की सफाई तो करनी ही है, तो मुझे एक बार फिर से अपना पूरा किचन अरेंज करना पड़ेगा। मैं सोचा था कि दिवाली की जो सफाई है वो मैं करवा चौथ के बाद ही स्टार्ट करूंगी, तो कल तो करवा चौथ है, तो उसके एक या दो दिन के बाद मैं सफाई स्टार्ट कर। यहाँ पर मैंने बनाई थी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। मुझे बस अभी दाल और चावल बनाना है। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर है मेरे दो दो डब्बे अचार। हमारे घर में अचार भी खत्म हो चुका था और बिना अचार के मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो दाल चावल के साथ सब्जी हो या ना हो बट मैं अचार के साथ खाना खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड है, उनको सब्जी चाहिए ही होती है, तो उनके लिए पत्ता गोभी है और मैं तो खाऊंगी दाल चावल और टेस्टी सा अचार।
आज मुझे बहुत सारा काम है। जो मैंने करवा चौथ की ड्रेस ली है तो उसका जो ब्लाउज है वो मैंने सिलाने दिया था, तो वो भी मुझे लेके आना है। और आप लोगों के साथ मुझे शेयर भी करना है कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ और मैंने क्या ऑनलाइन मंगाया हुआ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और कल करवा चौथ है, मीन्स रात के 12 बजे के बाद से तो उपवास लग ही जाएगा। और मैंने आज इतना सारा काम किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो इतने सारे कपड़े, तो मैंने आज इतने सारे कपड़े धुले हैं वो भी शाम को, और मेरे हाथों पे मेहंदी भी नहीं लग पाई है अभी तक के। तो कोई बात नहीं, हाथों में मेहंदी लगाने से अच्छा हस्बैंड के हाथों से मेहंदी लगाना ज़्यादा बेटर होता है करवा चौथ में। और कल करवा चौथ में मैं जो ड्रेस पहनने वाली हूँ तो मैं उसका ब्लाउज लेने के लिए भी गई हुई थी। थैंक गॉड कि आज मुझे ब्लाउज मेरा कंप्लीट होके मिल चुका है। और मैं साड़ी पहनने वाली हूँ या लहंगा पहनने वाली हूँ तो आपको कल ही पता चलेगा। अभी बता दूँ क्या, मैं अभी नहीं बताने वाली आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉग भी आपको कल मिलेगा। और कल मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ, रील्स बनाने वाली हूँ। और जो कल ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ वो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, तो उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसा आया है। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मैं आज नेक्स्ट ब्लॉग नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं आपको मिलने वाली हूँ मॉर्निंग 3 से 3:30 बजे सुबह हैं कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रितेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइस।